एक ओर स्टालिन और माओ जैसे तानाशाहों ने लोगों को मार डाला क्योंकि उन्हें लगा कि वे कम्युनिज्म के खिलाफ थे। दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर और इटली में मोसोलिनी, स्पेन में फ्रेंको ने कम्युनिस्ट होने के संदेह में अपने ही देश के लोगों की हत्या कर दी। जब भी हम कम्युनिज्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत संघ और चीन जैसे देश आते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप कम्युनिज्म की मूल परिभाषा पर गौर करें तो कम्युनिज्म के मूलभूत विचार वास्तव में हजारों साल पुराने हैं। उनके बाद स्टालिन आए जिन्होंने कम्युनिज्म के अपने विचारों को लागू किया, जो लेनिन से भी बदतर थे। इसके बाद आए माओ, उनकी कम्युनिज्म विचारधारा कहीं ज़्यादा उग्र और कहीं ज़्यादा हिंसक थी। सोवियत संघ से प्रेरित होकर दुनिया भर के कई देशों ने कम्युनिज्म लागू करने की कोशिश की। इन सभी देशों में कम्युनिज्म के अपने अपने विचार लागू किए गए, लेकिन इन सभी देशों में एक बात समान थी, इन सभी देशों में तानाशाही थी। ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज तानाशाही में बदल गई। अब ऐसा क्यों हुआ? From each according to his ability to each according to his needs, इसका मतलब एक ऐसा समाज जहाँ हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। अगर एक आदमी ज़्यादा फिट है और भारी वजन उठा सकता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, और अगर कोई दूसरा आदमी थोड़ा कमज़ोर है या विकलांग है और ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है और समाज के प्रति अपना योगदान देता है। और एक ऐसा समाज जहाँ हर आदमी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। आप क्या कहेंगे, भाई ये कैसा अजीब तरह का समाज है, मैं एक फिट और स्वस्थ आदमी होने के नाते कड़ी मेहनत करूँगा और बदले में मुझे केवल कुछ पैसे मिलेंगे जो मेरी ज़रूरत को पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये कैसे काम करेगा मैं इसे आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन कम्युनिज्म एक ऐसा ही समाज है, यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की संरचना करने का एक तरीका है, जहाँ पैसा नहीं है, जो मनीलेस सोसाइटी की बात करता है, जो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, जहाँ कोई देश नहीं है और देशों के बीच कोई सीमा नहीं खींची गई है। कुल मिलाकर ये एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा समाज जहाँ प्रोडक्शन के साथ जैसे लैंड, फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सभी मजदूरों द्वारा या आम जनता द्वारा चलाई जाती हैं। जब भी हम कम्युनिज्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत संघ और चीन जैसे देश आते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप कम्युनिज्म की मूल परिभाषा पर गौर करें तो कम्युनिज्म के मूलभूत विचार वास्तव में हजारों साल पुराने हैं। पूरे मानव इतिहास में आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा। जैसे 10,000 साल पहले के बारे में सोचें, पहले इंसान कैसे रहते थे। इंसान जनजातियों में हंटर गैदरिंग वाली जीवन शैली में रहते थे। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये कम्युनिज्म का सबसे पुराना आदिम रूप था, जब हम जंगलों में जनजातियों में रहते थे, जहाँ पैसे और देश की कोई अवधारणा नहीं थी, कोई देश मौजूद ही नहीं था। कई जनजातियों में क्लास और हायरार्की रही होगी, लेकिन ज़्यादातर कुछ जनजातियों में तो वो भी नहीं होगी। सभी लोग एक साथ अस्तित्व में थे, कोई प्राइवेट ओनरशिप का दावा नहीं करता था। यानी ऐसा नहीं था कि जनजाति का कोई आदमी यह कह सकता था कि यह हमारी चीज़ है या मेरी चीज़ है। इन जनजातियों में जब हम कुछ खाना ढूंढते थे या शिकार करते थे तो उसको सबके साथ मिलकर खाया करते थे। आराम करने के लिए भी हम सभी के साथ रहते थे। उस टाइम तक हर कोई एक बंद समुदाय की तरह था। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको सेपियंस बुक पढ़ने की सलाह दूंगा, जो हमें मानव इतिहास के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन ये पुराने किस्से हैं। अगर आज की बात करें तो कार्ल मार्क्स को ही कम्युनिज्म का जनक कहा जाता है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कार्ल मार्क्स किस युग में रह रहे थे और उनके पास क्या क्या परिस्थितियां थी। कार्ल मार्क्स उस युग में बड़े हुए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ी बड़ी मशीनें और कारखाने आए। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अक्सर बहुत खराब स्थिति में काम करते थे। इन फैक्ट्रीज के मालिक अक्सर अमीर लोग होते थे जो अपने मजदूरों का शोषण करते थे। इन कारखानों के मालिक अपने मजदूरों को सबसे कम पैसा देकर ज़्यादा घंटों तक काम कराते थे, और इन फैक्ट्रीज में जो मुनाफा निकलता था उसका सबसे बड़ा हिस्सा मूल रूप से इन फैक्ट्रीज के मालिक द्वारा छीन लिया जाता था। इसलिए मूल रूप से कार्ल मार्क्स के अनुसार यहाँ दो वर्ग, एक अमीर फैक्ट्री मालिक का वर्ग जो बड़ा मुनाफा ले लेता था, दूसरा वर्ग उन कामगारों मजदूरों का था जो कारखाने में घंटों काम करते थे लेकिन बदले में कुछ भी नहीं पाते थे। समस्याओं के समाधान के रूप में कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा समाज की कल्पना की जहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर ना हो। एक तरह से उन्होंने सपने के शहर की कल्पना की जिसे यूटोपिया कहा गया। यूटोपिया एक आदर्श समाज है जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने इस यूटोपिया को ही कम्युनिज्म नाम दिया। अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बात का विवरण दिया है कि कम्युनिज्म अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो राजतंत्र है, चाहे वो कोई भी राजा हो या कोई भी सरकार हो, कार्यकर्ता मिलकर उसे उखाड़ फेंक सकते हैं।
एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां प्रोडक्शन के साधनों यानी कारखानों या खेतों पर किसी भी एक मालिक का नहीं बल्कि पूरी जनता का हक होगा। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार कम्युनिस्ट सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच या जाति धर्म के आधार पर कोई वर्ग या भेदभाव नहीं होगा। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, साथ ही विरासत में मिली कोई संपत्ति नहीं होगी। अगर कोई अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अमीर होगी। विरासत में मिली संपत्ति की कोई भी अवधारणा नहीं होगी, प्राइवेट ओनरशिप की कोई भी अवधारणा नहीं बचेगी, यानी कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है या फिर ये जमीन मेरी है। सारी जमीन और सारी फैक्ट्रियों का मालिक हर कोई होगा। पैसे का विवरण समान रूप से होगा, वहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, समानता होगी और हर कोई हर चीज का मालिक होगा। दोस्तों, ये बातें काफी आइडियलिस्टिक हैं, पर दिन के अंत में सब कुछ थ्योरेटिकल ही है। पर आप पूछेंगे कि इन बातों को व्यवहारिक तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा किया जा सकता है? असल में कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, तो उन्हें कम्युनिज्म को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट पर कमियां नजर नहीं आई। 1917 की रूसी क्रांति के बाद इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला। रूस में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने मिलकर रूसी राजा को, जिसे उस समय जार कहा जाता था, उनका तख्ता पलट कर दिया था और उनके नेता लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट आइडियाज को बड़े पैमाने पर लागू किया। लेनिन ने अपने समय में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए, जैसे मजदूरों के मानव अधिकारों को मान्यता दी गई, वर्किंग वीक पर डे 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन तक सीमित था। इससे पहले कारखानों में मजदूर 12, 13 और 14 घंटे तक काम करते थे, लेकिन लेनिन ने सबसे पहले 8 घंटे और 5 दिन की शुरुआत की, जो आज तक दुनिया में काफी आम हो चुकी है। हर कोई सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन 8 घंटे तक ही काम करता है। महिलाओं को शिक्षा से प्रेरित कराया गया, खेती के लिए पैसे वाले जमींदारों से जमीन छीन ली जाती थी और किसानों में दोबारा बांट दी जाती थी। कारखानों को नेशनलाइज्ड कर उन्हें सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन अगर आपको याद हो तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखे गए मूल विचारों में ये नहीं लिखा था कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करेगी, बल्कि यहाँ कहा गया था कि जनता सब कुछ कंट्रोल करेगी। तो आप कह सकते हैं कि लेनिन द्वारा लागू किया गया कम्युनिज्म मार्क्स द्वारा सोचे गए विचारों से थोड़ा अलग था। अब सोचिए दोस्तों, अगर सोवियत संघ जैसे इतने बड़े देश में इतने बड़े कदम उठाए जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि वहाँ रहने वाला हर आदमी इससे सहमत होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है, हम इसे असहमत हैं, या फिर इसे करने के तरीके से असहमत हैं। लेकिन लेनिन का मानना था कि वो जो कर रहे हैं उनका अधिकार है, उनमें आलोचना सहने की क्षमता नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने बाकी सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और एक दलीय राज्य की स्थापना की थी। दरअसल एक ऐसा राज्य जहां पार्टी की आलोचना करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। सीक्रेट पुलिस लोगों की जासूसी करती थी और अगर कोई सरकार की आलोचना करता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। कम्युनिज्म का विरोध करने वाले या इसके विरुद्ध बोलने वाले, संदेह वाले किसी भी आदमी को जेल में डाल दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था या फिर फांसी दे दी जाती थी। इस मार्क्सवादी लेनिनवादी राजनीतिक संरचना को सोवियत कम्युनिज्म कहा गया। आज ज्यादातर लोग कम्युनिज्म को इसी सोवियत कम्युनिज्म से जोड़ते हैं, लेकिन जाहिर है हर कम्युनिस्ट इस लेनिनवाद से सहमत नहीं था। एक बहुत फेमस पोलिश कम्युनिस्ट रोजा लक्समबर्ग थी, जो लेनिनवाद के सख्त खिलाफ थी। असल में वो लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म की आदि थी। ऐसा मार्क्सवाद दर्शन जहां लोगों को बोलने की आजादी दी जाती थी, उन्हें उनकी आजादी दी गई, लेकिन फिर भी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। उनके बाद स्टालिन आए, जिन्होंने कम्युनिज्म के अपने विचारों को लागू किया, जो लेनिन से भी बदतर थे। स्टालिन ने कारखानों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, इसके लिए उन्होंने मजदूरों से ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया और मजदूर उन्हीं परिस्थितियों में काम करने लगे जिनका जिक्र मार्क्स ने शुरू में किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार फैक्ट्री में मालिक कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि सरकार थी। सोवियत संघ की सरकार ने अपने कर्मचारियों को उसी बुरी स्थिति में रखा और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि लाखों लोग अकाल और भूख से मारे गए। इसी वजह से कई लोग स्टालिन की विचारधारा को स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। इसका कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि ये कैपिटलिज्म की एक संरचना थी जिसे स्टेट कंट्रोल करता था। इसके बाद आए माओ, उनकी कम्युनिज्म विचारधारा कहीं ज्यादा उग्र और कहीं ज्यादा हिंसक थी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, सारी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से आती है। वो किसी न किसी तरह से हिंसा की वकालत करते थे। उनकी विचारधारा को माओवाद कहा जाता था और माओवाद शब्द यहीं से आया है। भारत में हथियार उठाने वाले नक्सली माओवादी उनकी विचारधारा में ही विश्वास करते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतने हिंसक हैं। सोवियत संघ से प्रेरित होकर दुनिया भर के कई देशों ने कम्युनिज्म लागू करने की कोशिश की। इन सभी देशों में कम्युनिज्म के अपने अपने विचार लागू किए गए, जैसे उनके अनुसार कम्युनिज्म को कैसे काम करना चाहिए और व्यवहारिक रूप से यह कैसे काम करता है। लेकिन इन सभी देशों में एक बात समान थी, इन सभी देशों में तानाशाही थी। ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज तानाशाही में बदल गई। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा जब मैं कम्युनिज्म के फेलियर्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। एक ओर स्टालिन और माओ जैसे तानाशाहों ने लोगों को मार डाला,
क्योंकि उन्हें लगा कि वे कम्युनिज्म के खिलाफ थे। दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर और इटली में मोसोलिनी, स्पेन में फ्रेंको ने कम्युनिस्ट होने के संदेह में अपने ही देश के लोगों की हत्या कर दी। दरअसल हिटलर और मोसोलिनी के बारे में कहा जाता है कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो एक तकनीक अपनाई थी उससे लोग कम्युनिज्म से डर गए थे। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए डराना था कि केवल वे ही उन्हें कम्युनिज्म की बुराई से बचा सकते हैं। इस तरह से लोग सत्ता में आए और तानाशाह बन गए। तो दोस्तों, अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कम्युनिस्ट होना या ना होना कोई काली सफेद बात नहीं है, इसे एक स्पेक्ट्रम माने। आप इससे समझने के लिए एक ग्राफ बना सकते हैं। एक ओर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म है और दूसरी ओर तानाशाही और स्वतंत्रता है और लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। तो स्टालिन जैसे कुछ तानाशाह कम्युनिस्ट हैं लेकिन तानाशाही भी है, लेकिन हिटलर जैसे कुछ तानाशाह पूंजीवाद के पक्ष में हैं लेकिन फिर भी तानाशाह हैं, और कुछ दूसरे ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं और डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं, इस लाइन के अंतर्गत आएंगे। कम्युनिज्म के इतनी बुरी तरह से फेल होने के पीछे क्या कारण थे, हम इस बारे में वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि वे कौन से सफल विचार थे जो दुनिया ने कम्युनिज्म से अडॉप्ट किए। आप कह सकते हैं कि ऐसे विचार जो कम्युनिज्म में सफल हुए और आज तक दुनिया में काम कर रहे हैं। पहला विचार एक वर्गहीन समाज का है जहाँ कोई भी वर्ग भेद ना हो, ऊंची जाति और निचली जाति या अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। लगभग आज आमतौर पर हर कोई मानता है कि नस्लवाद, जातिवाद, लिंगवाद बुरे हैं। लोगों के बीच भेदभाव करना बुरी बात है, हर व्यक्ति को समान अवसर देना अच्छी बात है। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज ने इस विचार को बहुत चरम पर पहुंचा दिया है। उन्होंने लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं का मतलब यह निकाला कि लोगों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को एक जैसा घर और एक जैसा जीवन स्तर दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों की आस्थाओं में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, किसी को भी किसी निश्चित धर्म या विचारधारा में विश्वास नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि कम्युनिज्म से ही डिक्टेटरशिप अस्तित्व में आई। दरअसल अगर आप तो आपको ऐसी इमारतें देखेंगी जिनकी शैली काफी हद तक बोरिंग डेस्कटॉपिक जैसी है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और अगर लोगों की अपनी आस्था व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जाता है। दूसरा विचार विरासत में नहीं मिला है। हम में से हर कोई भाई भतीजावाद, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये काफी हद तक कार्ल मार्क्स के विचारों से मिलता जुलता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई विरासत नहीं होनी चाहिए, और अगर वास्तविकता में इम्प्लीमेंटेशन पर नजर डालें तो यूरोप के कई लोकतांत्रिक देशों में इनहेरिटेज टैक्स मौजूद है। अगर आप पैसे वाले हैं और आप ये पैसे अपने बच्चों को उपहार में दे रहे हैं तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। तीसरा विचार श्रमिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने जिस शोषण की बात की थी ऐसा हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है। इसी कारण से ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में हमें वर्कर यूनियंस और लेबर यूनियंस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें कई किसान यूनियनें हिस्सा ले रही थी। यह फार्म यूनियन क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब है जब भी उन्हें लगता है कि उनका शोषण हो रहा है तो ये सभी यूनियनें मजदूरों या किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एक साथ खड़ी हो जाती हैं। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि ज़्यादातर फैक्ट्री मालिक अपने मजदूरों का शोषण करते हैं, वे उनसे ज़्यादा घंटे काम कराते हैं और कम से कम भुगतान देते हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादातर देशों में फिक्स सैलरी की अवधारणा मौजूद है, यानी इससे कम वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के विचार भी हैं जिन्हें कई विकसित देशों में सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। अब आइए कम्युनिज्म के फेलियर्स की बात करते हैं। आखिर क्या कारण था कि जब भी कम्युनिज्म लागू करने की कोशिश की जाती है तो हमें फेलियर्स होने की संभावना दिखती है। इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की मूलभूत समस्या क्या है? मेरी राय में साम्यवाद की सबसे बड़ी समस्या इसकी मूल परिभाषा में है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा लेकिन उसे जरूरत के मुताबिक चीजें नहीं मिलेंगी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति हूँ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? मुझे वही चीज मिलती है जो बाकी सभी को मिल रही है। फिर ज्यादा मेहनत करने के लिए मेरा रिवॉर्ड क्या हुआ? यानी मैं कम काम करूंगा तो भी मुझे उतना ही भुगतान मिलेगा, इससे भी कम काम करो मुझे फिर भी उतना ही मिलेगा, और मेरे काम करने में सुधार का कोई कारण मौजूद नहीं होगा। अगर मैं ज्यादा एफिशिएंट और इनोवेटिव हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे वही मिलेगा जो मुझे हमेशा से मिलता आया है। अब सोचिए, अगर समाज में रहने वाला हर आदमी इस तरह सोचने लगे तो समाज में कॉम्पिटिशन ही नहीं रह जाएगा, इससे टेक्नोलॉजी या किसी भी दूसरे क्षेत्रों में कोई विकास नहीं होगा। कम्युनिज्म की फेलियर्स के पीछे ये काफी फिलोसफिकल कारण है। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि जब आप वास्तविकता में एक वर्गहीन समाज बनाने का प्रयास करते हैं जहां हर कोई हर चीज का मालिक होता है तो उस
समाज में एक शक्ति शून्यता होती है। इस शक्ति शून्यता के कारण ही तानाशाही के लिए हमेशा जगह बन जाती है। एक आदमी जो सीधे काम का तरीका बताएगा और वही आदमी तानाशाह बन जाएगा। इसी तानाशाही के द्वारा एक दलीय शासन स्थापित होता है जिससे लोगों की आजादी छीन ली जाती है। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं रह जाता और अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। इसके शीर्ष पर जब यह तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो सरकार सभी कारखानों, जमीनों और सभी वितरण प्रक्रियाओं को ही कंट्रोल करने लगेगी। जो चीजें लोगों के बीच बांटी जाएंगी वो सरकार के नियंत्रण में ही होगी। जब एक ही आदमी या पार्टी सब कुछ कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा? भ्रष्टाचार। सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार होते रहेंगे क्योंकि उनके पास इतना कंट्रोल है कि वे जनता के बारे में सब कुछ तय कर सकते हैं। लोग किस प्रकार के घर में रहेंगे, उन्हें कितनी जमीन मिलेगी, उन्हें कितनी फैक्ट्रीज मिलेंगी। वास्तव में जब भी कम्युनिज्म को व्यवहारिक रूप से लागू करने की कोशिश की जाती है तब वो कम्युनिज्म नहीं रह जाता है। कोई पार्टी आती है और निर्देश देती है कि चीजें कैसे काम करेंगी तो मूल परिभाषा में काफी अलग हो जाती है। कम्युनिज्म की प्रमुख परिभाषा क्या है? मूल परिभाषा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति हर चीज का स्वामी है। लेकिन अगर एक पार्टी, एक सरकार सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो कम्युनिज्म नहीं रह जाता, इसे अब सोशलिज्म कहा जाएगा। तो फिर सोशलिज्म क्या होता है? वेल, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या कम्युनिज्म का कोई सक्सेसफुली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है? कम्युनिज्म ट्रू साइंस में कहाँ लागू हुआ है, कहाँ यह तानाशाही में तब्दील नहीं हुआ है? इस सवाल का आंसर है हाँ, लेकिन बहुत छोटे कम्युनिटीज में। जब भी किसी देश के स्तर तक बड़ा पैमाना हो जाता है तो कम्युनिज्म हमेशा विफल होता नजर आता है। कुछ स्थानों पर छोटे समुदायों में कम्युनिज्म पनप गया है। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, शुरुआती ह्यूमन थे जो जनजातियों में रहते थे, एक साथ काम करते थे जब पैसे की कोई भी अवधारणा नहीं थी। आज की आधुनिक दुनिया में भी इसके कुछ छोटे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां इसने छोटे समुदायों में काम किया है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में ओशो का आश्रम, जिस पर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी मौजूद है। लोग एक छोटे कम्यून में एक साथ रहते थे, सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, पैसे की कोई भी अवधारणा नहीं थी। इसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता था। इसे आप कम्युनिज्म का एक सफल इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, लेकिन इसे सफल कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आखिर में वास्तव में इसका क्या हुआ था तो आपको पता चलेगा कि यह भी एक बड़ी असफलता ही रही थी। लेकिन भारत में इसका एक एग्जाम्पल आज ही मौजूद है। पौंडीचेरी में ऑरोविले नाम का एक समुदाय है। 2000 लोग एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहाँ भूमि, आवास और व्यवसाय के निजी स्वामित्व की कोई अवधारणा नहीं है। वहाँ रहने वाले सभी लोग सभी के लिए काम करते हैं और पूरे समुदाय का ख्याल रखते हैं। सभी को अपना अपना काम सौंपा गया है और पैसों को भी ज्यादा अवधारणा नहीं दी गई है। और ऑरोविले की कम्युनिटी कैसे काम करती है, मुझे लगता है कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। इसके बाद सीरीज में अगले वीडियो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पर होंगे, ताकि अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो वो आपको उन वीडियोज में समझ में आ जाए। अपनी राय के बारे में नीचे कॉमेंट में जरूर लिखें कि कम्युनिज्म सफल विचार क्या है और इसकी असफलताएं क्या हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।